सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कौन जीतने जा रहा है इस्लामाबाद की नशिस्त, जिस पर सबकी नजरें हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बोल टीवी, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम फैसल साहब, कौन जीतने जा रहा है सबकी नजरें? यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के इंतखाब पर है। जी हाँ, बिल्कुल आराम से जीत रहे हैं हफीज शेख, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा जैसे ही पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़ी आराम से हफीज शेख जीत रहे हैं, हमारी बहुत ही अच्छी पोजीशन है और नंबर्स में भी अच्छी पोजीशन है, और जितना भी हफीज शेख को उसमें भी चाहिए कि यही कानून भी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, और वर्दी हरबे इस्तेमाल कर लें पीडीएम वाले, उन्होंने अपने खानदान वालों को लगाया हुआ है वोट खरीदने पे और काफी जाया करवाने की वोट कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे के या किसी तरह से कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका हर हरबा नाकाम होगा और इंशाल्लाह जीत जो है वो इंसाफ की होगी, पाकिस्तान की होगी, अवाम की होगी, इमरान खान की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद, बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कौन जीतने जा रहा है इस्लामाबाद की नशिस्त, जिस पर सबकी नजरें हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बोल टीवी, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम फैसल साहब, कौन जीतने जा रहा है सबकी नजरें? यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के इंतखाब पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल आराम से जीत रहे हैं हफीज शेख, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा जैसे ही पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़ी आराम से हफीज शेख जीत रहे हैं, हमारी बहुत ही अच्छी पोजीशन है और नंबर्स में भी अच्छी पोजीशन है, और जितना भी हफीज शेख को उसमें भी चाहिए कि यही कानून भी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, और वर्दी हरबे इस्तेमाल कर लें पीडीएम वाले, उन्होंने अपने खानदान वालों को लगाया हुआ है वोट खरीदने पे और काफी जाया करवाने की वोट कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे के या किसी तरह से कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका हर हरबा नाकाम होगा और इंशाल्लाह जीत जो है वो इंसाफ की होगी, पाकिस्तान की होगी, अवाम की होगी, इमरान खान की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद, बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कौन जीतने जा रहा है इस्लामाबाद की नशिस्त, जिस पर सबकी नजरें, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बोल टीवी, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम फैसल साहब, कौन जीतने जा रहा है सबकी नजरें? यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के इंतखाब पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल आराम से जीत रहे हैं हफीज शेख, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा जैसे ही पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़ी आराम से हफीज शेख जीत रहे हैं, हमारी बहुत ही अच्छी पोजीशन है और नंबर्स में भी अच्छी पोजीशन है, और जितना भी हफीज शेख को उसमें भी चाहिए कि यही कानून भी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, और वर्दी हरबे इस्तेमाल कर लें पीडीएम वाले, उन्होंने अपने खानदान वालों को लगाया हुआ है वोट खरीदने पे और काफी जाया करवाने की वोट कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे के या किसी तरह से कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका हर हरबा नाकाम होगा और इंशाल्लाह जीत जो है वो इंसाफ की होगी, पाकिस्तान की होगी, अवाम की होगी, इमरान खान की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद, बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।